आधार न्यू पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जहां आप आधार कार्ड से रिलेटेड काफी सारे काम ऑनलाइन एक ही जगह से कर सकते हैं। जैसे कि आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, या आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस अपडेट करना हो, या फिर पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना हो, तो ये सारे काम आप एक ही जगह से कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको आधार न्यू पोर्टल यूज करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आधार न्यू पोर्टल के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे myaadhar.uidai.gov.in, तो आपके सामने आधार न्यू पोर्टल आ जाएगा। यहां से आप आधार कार्ड से रिलेटेड काफी सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले लॉगिन करना होगा। आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नीचे आप ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, इसमें आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आधार कार्ड आ जाएगा। फ्लिप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप आधार कार्ड की बैक साइड देख सकते हैं। इसमें आपको काफी सारी सर्विसेज दी गई है, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, प्लास्टिक आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड किस बैंक के साथ लिंक है वो आप चेक कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, ऑफलाइन ईकेवाईसी के लिए जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही आप पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना है तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएगी, आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको टर्म्स एक्सेप्ट कर लेनी है, मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप 50 रुपीज का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, पेटीएम और यूपीआई सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो मैं नेट बैंकिंग चूज कर लूंगा, HDFC बैंक। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और साथ ही आपका पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर हो जाएगा। यहीं से आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड में कोई अपडेट करनी है, जैसे कि आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या एड्रेस अपडेट करना है, तो आप अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा आपको अपडेट करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे, जो भी डेटा आप अपडेट करना चाहते हैं वो आप यहां डालेंगे। जैसे कि मुझे नेम अपडेट करना है तो यहां पर मैं न्यू नेम डाल दूंगा। इसके बाद डेटा अपडेट करने के लिए आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा, तो नेम अपडेट करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसी तरह से जो भी डेटा आप अपडेट करते हैं उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, जिसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है आप उसको चूज करेंगे और अपलोड कर देंगे। अब आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपकी अपडेट रिक्वेस्ट को ले लिया जाएगा और 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर डेटा अपडेट हो जाएगा। पेमेंट हिस्ट्री चेक करने के लिए आप पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कब कब कितना पेमेंट किया था। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपने जितनी भी रिक्वेस्ट की है वो आप यहाँ देख सकते हैं और साथ ही यहीं पर आप उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। यहीं से आप अपनी रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीवीसी आधार कार्ड के लिए ऑर्डर किया है तो इसका स्टेटस मैं यहीं पर देख सकता हूँ, प्रिंटिंग प्रोसेस में है। जैसे ये प्रिंट हो जाएगा तो बाय पोस्ट एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। सो इस तरह से आप न्यू आधार पोर्टल को यूज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।